लोग रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करें प्लीज ओके सो इट इज बिटवीन मी एंड समबडी एल्स सो इट्स जस्ट पर्सनल सो डिसरिस्पेक्ट मत करिए किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ मत लिखिए जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं सारे रिलीजन को खुद ही बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ इनफैक्ट बहुत गालियाँ भी खा चुका हूँ अपने मुसलमान भाइयों से जब मैं गणपति में जाता हूँ और सालों से खा रहा हूँ लेकिन कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की किसी रिलीजन को लेकर और मैं जहाँ भी गया बहुत इज्जत दिया उन लोगों ने बहुत प्यार दिया सारे वीडियोस आप मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं कि इस साल भी गणपति में बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो प्लीज़ जितने मुसलमान भाई हैं या जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं रिलीजन के बारे में ना कहें रही बात अब उन लोगों की जो हेट कमेंट्स लिखते हैं कि मैंने पठान कहा या मैंने कुछ भी कहा कोई पर्सनल रीज़न नहीं था आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले मुझे देश का अवार्ड मिला राजीव गांधी अवार्ड और राजीव गांधी कौन थे इस देश के आप सब जानते हैं उस अवार्ड पे देश का झंडा लगा हुआ है उस अवार्ड को बहुत महान लोगों ने रिसीव किया उनमें से मैं सबसे छोटा इंसान हूँ जिसे वो अवार्ड मिला ओके सो दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद डॉक्टर APJ कलाम अवार्ड यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया मुझे मिला भारत सरकार की तरफ से उस पर भी झंडा गड़ा हुआ है भारत सरकार का सो उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं आपके बॉस वो चलेगा सो सबसे पहले तो तमीज़ खुद सीखिए दूसरों को सिखाने से पहले और देश का जो अवार्ड है उसे कुछ इस तरह से कहते हैं ये आप देख सकते हैं इसमें जिसकी तस्वीर लगी है ठीक है कभी ये अवार्ड रिसीव करके देखिए इस मंच पे कभी अगर ज़िंदगी में औकात मिले तो कभी खड़े होकर देख लेना ये अवार्ड मिले तो और क्या लिखा ये भी देख लीजिए तो इस अवार्ड का डिसरिस्पेक्ट आप कर सकते हैं लेकिन मैंने अगर फिल्म का डायलॉग बोला तो बुरा लगा डायलॉग बोला जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एन चंद्रा जिनकी वजह से मैं कुछ बना हूँ स्टाइल फिल्म के डायरेक्टर उनकी फिल्म थी तेजाब उसमें लोडिया पठान का रोल किया था किरण कुमार सर ने उस फिल्म का डायलॉग था पठान वाला डायलॉग जी हाँ उस फिल्म का डायलॉग था ये पठान जब देता है तो एहसान नहीं करता और लेता है तो लिहाज नहीं करता ये उस फिल्म का डायलॉग था जो सिर्फ मैंने एक डायलॉग के तौर पर बोला था आप इसको रिलीजियस बना रहे हैं शर्म आनी चाहिए कि देश के इतने बड़े बॉडी बिल्डर और उनकी टीम इसको पठान और मराठा लड़ाई में कन्वर्ट करना चाहती है कमेंट्स लिखते हैं हिंदू मुसलमान के क्या मैंने प्रूफ नहीं दिया है आपको कि मैं कभी सर नहीं टेका है किसी माता के आगे कमाल करते हो तो लोग जो मुझे कहते हैं कि मैं रिलीजन और पठान वर्ड मैंने यूज़ किया है क्या कभी मुझे पूजा करते हुए नहीं देखा है कभी माता टेकते हुए नहीं देखा है या रिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा है भीड़ों में इतनी सारी जगह में जाता हूँ इतनी इज्जत देते हैं वो लोग कभी ये नहीं देखा आपने और हाँ रही बात जो ये कहा है ना कि पेपर थिन स्किन होगा तो कट जाएगा यही तुम्हारी औकात है जी हाँ यही हो तुम यही हो पेपर थिन स्किन है फट जाएगा तो पता नहीं चलेगा धमकी देते हो 40 माले पे खड़ा हूँ घर कहाँ है वो भी पता है तुम्हें पेपर थिन स्किन फट जाएगा कट जाएगा यही औकात है इसीलिए हर साल नया डब्बा पकड़ के खड़े होते हो और बोलते हो ये वाला गेनर ले लो ये वाला प्रोटीन पाउडर ले लो ये सबसे अच्छा है और उसके बाद घोड़े का शिट लगाते हो हाँ असलियत औकात दिखा दी ना चीर फाड़ काट डालूंगा मार डालूंगा हाँ पेपर थिन स्किन बना दूंगा क्या क्या कह रहे हो भाई मैं जहाँ जाता हूँ स्टोरी में बता कर जाता हूँ पोस्ट डालता हूँ बोलो आप जो कर सकते हो कर लो फिर औकात दिखाता हूँ मैं किसकी अभी तक अपने किसी भी सोशल नेटवर्क के लोगों को दोस्तों को मैंने आपके खिलाफ गाली लिखने को नहीं कहा अगर लिखूंगा तो पता है ना कि आपके फॉलोअर्स और मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और मेरे इंस्टाग्राम और मेरे बाकी सारी आज भी बॉडी बिल्डिंग का फ़ैन हूँ और बॉडी बिल्डिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट करता हूँ लेकिन ऐसे बॉडी बिल्डरों को नहीं जो पीछे से दोस्त बनकर इस्तेमाल करते हैं और जेलसी और हेट का पोस्ट डालते हैं स्टोरी में आपकी भी इज्जत करता था लेकिन आज इत्तेफाक से आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी अब इज्जत नहीं करता हूँ मुझे अफसोस है उन लोगों के बारे में सोचकर अफसोस आता है जो आपकी टीम की तरफ से इसको रिलीजियस बना रहे हैं सो प्रेसिडेंट अवार्ड डॉक्टर APJ कलाम अवार्ड को सेल्फ क्लेम अवार्ड कहने वाले बॉडी बिल्डर कम से कम इतनी पढ़ाई लिखाई करो कभी स्टेज पे पहुंचो तो समझ में आएगा कम से कम एक प्रो कार्ड तो जीतो यार 10-20 बार मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर इंडिया मिस्टर वर्ल्ड मैं उन बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें से सिर्फ एक बॉडी बिल्डर से मैं बात कर रहा हूँ जो भी बॉडी बिल्डर हैं या जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आना चाहिए कि मैं किसी बॉडी बिल्डर की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ मिस्टर चेतन पठारे या जिन्होंने जो पूरी टीम है आप उनसे पूछ सकते
जब मुझे मिस्टर चेतन पठारे और उनकी टीम ने बॉडीबिल्डिंग मुंबई बॉडीबिल्डिंग एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, हम उस जमाने में कुर्सियों पे बैठते थे, प्लास्टिक की कुर्सियों में। उस वक्त कोई ग्लैमर नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, तब मैं खड़ा होता था वहां पे। सो एनीवेज इतना काफी है, आपने जो शुरुआत की है रिजल्ट अच्छा आएगा, होपफुली सबक भी मिलना चाहिए। जो लोग इस तरह की लड़ाइयां लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सोचते हैं या जो भी सोचते हैं, उनका हिसाब पक्का कर। चलो अच्छा ही हुआ, फेमस तो हो गए कम से कम। और हाँ, रही बात बॉलीवुड की और इस तरह की बातें लिखना, फेल नॉट फेल, मैंने जिंदगी में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर लिया, इस जिंदगी में उतना ही काफी है, ठीक है। कभी तस्वीर मौका मिले तो खिंचवा के दिखाओ। इसके बारे में कि मैंने बॉलीवुड में फेल हूं या पास हूं, जो भी आप कह रहे हो लोगों को लिखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में मैंने एक एपिसोड बनाया है यूट्यूब पर, आप जाओ देखो। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। और रही बात मिलो, मिलके बात करो, मीट मी हियर बेबी एट द टॉप, इफ यू कैन अफोर्ड टू डू इट, कम एंड मीट मी हियर, या फिर मेरा पोस्ट देखो और मेरी जगह पे आ जाओ, मिल लो। ओहो, ये एक बात बोलना तो भूल ही गया मैं, विदेशी लड़कियों के साथ तस्वीरें डालकर फॉलोअर बढ़ा रहा हूं मैं। ओहो, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है साहब, आपके साथ विदेशी लड़कियां नहीं है इसलिए। सो ये है तकलीफ आपकी कि मेरे सब्सक्राइबर क्यों हिट हो रहे हैं 1 मिलियन, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं, विदेशी लड़कियां मेरे साथ तस्वीरें क्यों खिंचा रही हैं, इस बात की तकलीफ है। और आप कहते हैं कि मैं औरतों की इज्जत नहीं करता, कब आपने औरतों की बेइज्जती करते हुए मुझे देखा है साहब? और लाइफस्टाइल, हाँ लाइफस्टाइल, करेक्ट, स्टाइल पिक्चर थी मेरी, याद रहेगा आपको जिंदगी भर। अब मैं लाइफस्टाइल ऐसे दिखाकर लोगों को मैं गलत रास्ते बता रहा हूँ, आइकॉन होकर करते सब है मेरी जान, सिर्फ दिखाता मैं हूँ। अगर मेरी लाइफस्टाइल से इतने लोगों को तकलीफ होती तो 3 मिलियन लोग नहीं होते, 1 मिलियन यूट्यूब पर नहीं होते। एनीवेज आपको ऑलरेडी बहुत फुटेज दे चुका हूँ यार मैं, होपफुली दिस इज गोना हेल्प योर लाइफ। अब अगले साल नया डब्बा नहीं पकड़ोगे और एक